भेज रहा हूं। यह सर्ट इन ने रिपोर्ट दी थी कि व्हाट्सएप के माध्यम से पिगासस इजरायली सॉफ्टवेयर से टेलीफोन्स को हैक करके सीधे सीधे जासूसी चल रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत सरकार की जो एजेंसी है उन्होंने लिख के रिपोर्ट दी है, और इसमें उन्होंने बाकायदा लिखा ओरिजिनल इश्यू डेट इज May 17, 2019। ए वल्नरेबिलिटी हैज बीन रिपोर्टेड इन व्हाट्सएप विच कुड बी एक्सप्लॉइटेड बाय रिमोट अटैकर टू एग्जीक्यूट आर्बिट्रेरी कोड ऑन द अफेक्टेड सिस्टम। और यह बाकायदा ट्रैकर न्यूज और सब कुछ इसके अंदर दिया है। अब साथियों सवाल यह है कि यह पिगासस है क्या? यह एक इजरायली कंपनी है NSO, और यह कहते हैं कि हम यह सॉफ्टवेयर केवल और केवल सरकार को ही बेचते हैं और किसी को नहीं। कोई कह सकता है भैया ये तो सरकार मोदी जी ने तो खरीदा नहीं होगा, तो मैं इसलिए उनकी वेबसाइट का भी आपको रिलीज कर रहा हूं। यह पिगासस NSO की वेबसाइट से, और उन्होंने साफ तौर से कहा NSO प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एक्सक्लूसिवली बाय गवर्नमेंट इंटेलिजेंस एंड लॉ इन्फोर्मेंट एजेंसी टू फाइट क्राइम एंड टेरर। मोदी जी, राहुल गांधी जी के फोन की जासूसी करवा के आप कौन सा क्राइम और टेरर से लड़ाई लड़ रहे थे? हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टीवी 18, इंडिया टुडे, फ्रंटियर टीवी, वायर, न्यूज क्लिक, इनकी जासूसी करवाकर आप कौन से टेररिस्ट से लड़ रहे थे? आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जासूसी करवाकर कौन से उग्रवादी से लड़ रहे थे? आप एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के जगदीप छोकर साहब की जासूसी करवाकर कौन से उग्रवादी से लड़ रहे थे? और अब सामने आएगा, अब अपने खुद के कैबिनेट मंत्रियों की जासूसी करवाकर कौन से उग्रवादियों से लड़ रहे थे? और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों और शायद जजेस की जासूसी करवाकर क्या ये उग्रवादी और आतंकी हैं? और राहुल गांधी जी के स्टाफ की जासूसी करवाकर, अब 5 लोगों के उनके स्टाफ के भी नाम सामने आए, तो आप कौन से उग्रवादी से लड़ रहे थे? क्योंकि ये पिगासस का सॉफ्टवेयर तो केवल आपको बेचा गया, सरकार को बेचा गया, और आपने खरीदा। और तीसरा हिस्सा साथियों, मंक स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो ने, जिनके पास सिटीजन लैब है, बाकायदा इस पिगासस सॉफ्टवेयर और हिंदुस्तान पे अटैक की जांच करवाई, और उन्होंने जून 2017 में यह पाया। ये मैं उनकी रिपोर्ट की कॉपी आपको रिलीज भी कर रहा हूं, लगा भी रहा हूं, कि हिंदुस्तान के राजनीतिक व्यक्तियों, हो सकता है उनमें खड़गे साहब का फोन भी हो, अधीर रंजन चौधरी साहब का भी हो, ममता जी का भी हो, लालू जी का भी हो, अखिलेश जी का भी हो, दूसरे लोगों का भी हो, उन सबको अटैक किया गया था 2017 में पिगासस सॉफ्टवेयर के माध्यम से। ये वो रिपोर्ट की कॉपी है जो मैं आपको रिलीज कर रहा हूं। और इतना ही नहीं साथियों, इस पिगासस सॉफ्टवेयर से इंटरनेट और ब्रॉडबैंड को भी इन्फेक्ट कर दिया गया, यानी इस देश के लोग अपने टेलीफोन पर, यूट्यूब पर क्या देखते हैं, आपकी बेटी, आपकी पत्नी, आप स्वयं, आपका बेटा ब्रॉडबैंड पर, यूट्यूब पर, टेलीफोन पर क्या देखते हैं, क्या सर्च करते हैं, उस पर भी मोदी सरकार नजर रख रही है। और जो ये मैं नहीं कह रहा, ये भी सिटीजन लैब रिपोर्ट में आया, और उन्होंने कहा कि जो कंपनियां इन्फेक्ट की उन्होंने इंटरनेट की, वो है भारती एयरटेल लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, खुद की सरकारी कंपनी को भी नहीं बख्शा, नेशनल इंटरनेट बैकबोन, सब कुछ उसी पे चलता है, NIC, कोर्ट की प्रोसीडिंग से लेके सरकार की सब कार्रवाई, हर डिपार्टमेंट की कार्रवाई तो NIC पर चलेंगी, हैथवे केबल इंटरनेट, स्टार ब्रॉडबैंड सर्विसेज,
एट्रिया कन्वर्जेंस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, ये कागज भी मैं आपको रिलीज कर रहा हूं, ये सब भी इन्फेक्ट हो गया और आज भी मोदी सरकार झूठ बोल रही है। आज भी आईटी मंत्री ने कह दिया हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं, एनएसओ और पिगेसस को हम तो जानते ही नहीं, उन्होंने तो बयान ही दे दिया। शायद मंत्री जी अगर आप कांग्रेस के कॉलिंग अटेंशन में पुराने आईटी मिनिस्टर का 28 नवंबर 2019 का जवाब पढ़ लेते तो इतना झूठ संसद को ना बोलते। ये मैं इस देश के फॉर्मर आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद का संसद का जवाब दिखा रहा हूं आपको, जो कांग्रेस के कॉलिंग अटेंशन मोशन पर राज्यसभा में उन्होंने दिया और वहां उन्होंने तीन बातें मानी। पहली बात कि 121 आदमियों के नाम उनके पास आए हैं हिंदुस्तान के, जिनके टेलीफोन को पिगेसस इजरायली जासूसी यंत्र से हैक किया गया है। यह मैं नहीं कह रहा, मैं आपको दिखा देता हूं, यह मंत्री जी ने मान लिया और संसद के पटल के ऊपर मान लिया कि 121 नाम तो उनके पास है। तो जब मिनिस्टर यह कह रहे हैं कि मेरे पास 121 नाम है तो फिर आज आईटी मिनिस्टर ये क्या कह रहे हैं। दूसरा उन्होंने ये माना कि एनएसओ को नोटिस दिया गया नवंबर 2019 में, यह भी उन्होंने मान लिया। यह है अभी तक व्हाट्सएप ने हमें 121 नाम, ये देखिए, तो ये तो खुद ही मानते थे नवंबर 2019 में भारत सरकार ने संसद के पटल पर माना। और उसके बाद यह भी कहा कि हमने एनएसओ को नोटिस दिया है। मैं आपको वो लाइन पढ़कर बता देता हूं, श्री रविशंकर प्रसाद, हमने तो आपको पहले ही कहा था कि एनएसओ को भी नोटिस दिया है, तो भैया उस नोटिस का क्या हुआ वैष्णव साहब, या आपको सरकार बता नहीं रही, नए नए आईटी मिनिस्टर बने हो, आप कह रहे हो हमारा पिगेसस के बारे में जानकारी नहीं, आपके मंत्री कह रहे हैं 121 नाम है, हमने तो एनएसओ को नोटिस दिया है। अब कौन सा मंत्री झूठ बोल रहा है, पुराने वाला झूठ बोल रहा है या नया वाला झूठ बोल रहा है। इसलिए हमारे सीधे सीधे 6 सवाल हैं और आदरणीय खड़गे साहब और उसके बाद अधीर रंजन जी अपनी बात कहेंगे। पहला, इस स्पाइंग ऑन इंडिया सिक्योरिटी फोर्सेस, जुडिशरी, कैबिनेट मिनिस्टर्स, अपोजिशन लीडर्स इंक्लूडिंग श्री राहुल गांधी, जर्नलिस्ट एंड अदर एक्टिविटीज थ्रू ए फॉरेन एंटिटीज स्पाईवेयर नॉट ट्रीजन एंड ए इनएक्सक्यूजेबल डिसमेंटलिंग ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। क्या हिंदुस्तान में मुख्य चुनाव आयुक्त, विपक्ष के नेता समेत श्री राहुल गांधी, खुद के कैबिनेट मंत्रियों, पत्रकार साथियों, एक्टिविस्ट और इन सब की जासूसी करवाना अगर देशद्रोह नहीं और राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं तो क्या है। दूसरा सवाल, क्या 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले और उसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनके गृह मंत्री अमित शाह जी और उनकी सरकार जासूसी करवा रही थी। और तीसरा, भारत सरकार ने यह इजरायली जासूसी सॉफ्टवेयर पिगेसस कब खरीदा, क्या इसके लिए होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने अनुमति दी या प्रधानमंत्री जी ने अनुमति दी, और कितना हजार करोड़ रुपया खर्च हुआ या कितने सैकड़ों रुपया खर्च हुआ और वो पैसा कहां से आया। चौथा, अब ये साफ है कि अप्रैल मई 2019 में, ये देखिए ये सर्ट इन की रिपोर्ट है, भारत सरकार को इस सॉफ्टवेयर की जानकारी थी। तो 2019 से 2021 के बीच में मोदी जी अगर आपको जानकारी थी तो आप और अमित शाह जी चुप क्यों रहे, भारत सरकार ने रहस्यमयी चुप्पी, षड्यंत्रकारी चुप्पी क्यों साध रखी है। और पांचवा सवाल, देश में आंतरिक सुरक्षा के जुम्मेवार तो अमित शाह हैं,
तो माननीय अमित शाह को एक सेकंड भी क्या अपने पद पर बने रहने का अधिकार है? उन्हें बर्खास्त क्यों नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह सब तो उनकी देखरेख में हो रहा है। जासूसी कांड जो है इस देश का, वो तो अमित शाह जी की देखरेख में हो रहा है। और आखिरी, क्या प्रधानमंत्री की भूमिका की जांच नहीं होनी चाहिए? यह कुछ प्रश्न है। अब इससे पहले कि हम आपके प्रश्न लें, मैं आदरणीय खड़गे साहब से अनुरोध करूंगा, क्योंकि इसने पूरे देश को, इस जासूसी कांड ने पूरे देश को हिला दिया है।